हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मास्कोप। दवाई तो हम लोग खाते हैं, लेकिन पता है कितने टाइप का दवा हो सकता है, कितने टाइप का मेडिसिन हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स और डिमांड, थ्री टाइप्स का मेडिसिन है: वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। डिपेंडिंग ऑन वेदर, प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बाइंग, दो टाइप का हो सकता है: ओटीसी प्रोडक्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। फिर है जब मेडिसिन लेने के बाद अंदर में बॉडी में जब एंटर करता है, सो वो ब्लड में रीच करता है कि नहीं करता है, उसके हिसाब से दो टाइप का हो सकता है: सिस्टेमिक एंड नॉन सिस्टेमिक। फिर कौन सी रूट में हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं उसके हिसाब से ओरल, पैरेंटरल और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। देन टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, मतलब किस टाइप का डोसेज फॉर्म है, जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म और गैसियस जैसे एरोसोल्स और इनहेलर। फिर ड्रग का यूज़ क्या है, उस मेडिसिन का यूज़ क्या है, कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है। और मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है अंडर में जाके, और क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स है, उसके हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरी डेट, मतलब जल्दी वो एक्सपायर हो जाता है, क्या लॉन्ग टर्म वो स्टेबल रहता है, उसके हिसाब से भी शॉर्ट एक्सपायरी एंड लॉन्ग एक्सपायरी मेडिसिन में डिवाइड किया जा सकता है। किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में सब मेडिसिन का एक जैसा डिमांड और रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों टाइप का फॉर्मूलेशन मतलब मेडिसिन हो सकता है। जैसे नंबर वन वाइटल, मतलब जिसका होना ही जरूरी होता है किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जैसे एग्जांपल के तौर से एड्रिनलिन इंजेक्शन। सेकेंड पॉइंट है एसेंशियल, एसेंशियल मतलब ये मेडिसिन इफेक्टिव होगा, सेफ होना चाहिए, सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन होगा, मेजोरिटी हेल्थ केयर पॉपुलेशन को नीड ये फुलफिल करेगा, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं रहेगा और एच पर WHO गाइडलाइन ये मेडिसिन का लिस्ट वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए पैरासीटामोल टैबलेट, ठीक है। तीसरी वाला है डिजायरेबल, ये मेडिसिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे एग्जांपल एक विटामिन फॉर्मुलेशन। हम लोग जब दवाई खरीदने के लिए मेडिकल शॉप में जाते हैं, तब जो दवाई प्रिस्क्रिप्शन ना देने से ही मिल जाता है उसको कहते हैं OTC, मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन। एग्जांपल जेलुसिल नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। दूसरी वाला है जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देने से ही मिलता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, उसको कहता है शेड्यूल एज मेडिसिन। जैसे एग्जांपल एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक। तीसरी टाइप है शेड्यूल जी मेडिसिन, जो मेडिसिन पेशेंट को देने के समय में डॉक्टर साहब को प्रेजेंस रहना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का मेडिसिन का थेरापीटिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है, नैरो रहता है, इसलिए ये मेडिसिन कम देने से पेशेंट का कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, एक्टिविटी नहीं मिलेगा, और अगर ज़्यादा दिया तो टॉक्सिसिटी होने का चांसेस है, जैसे डिजिटलिस कार्डियोटोनिक ड्रग एग्जांपल। फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी, मतलब यूज़ के हिसाब से मेडिसिन को क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे हाई प्रेशर में यूज़ होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जैसे एग्जांपल बीटा ब्लॉकर एटिनोलोल, और हाई डायबिटीज में यूज़ होता है एंटी डायबिटिक जैसे मेटफॉर्मिन। दूसरी क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ एक्शन, जैसे बीटा ब्लॉकर, बीटा जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करके जो काम करता है एटिनोलोल एग्जांपल, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एमलोडिपिन। ये दोनों मेडिसिन ही एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तीसरी टाइप का क्लासिफिकेशन, जो स्ट्रक्चरल फीचर्स, कैसे उसको रिंग स्ट्रक्चर क्या है,
क्या फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन रिंग स्ट्रक्चर रहता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, और डाइहाइड्रोपीरिडीन मतलब पीरिडीन रिंग स्ट्रक्चर रहता है जैसे एमलोडिपिन। कौन सी रूट में हम मेडिसिन ले रहे हैं उसके हिसाब से मेडिसिन को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे ओरल रूट में हम लोग जब लेते हैं कोई टैबलेट कैप्सूल जैसे पैरासीटामोल टैबलेट, दूसरी है ईयर नाक और आँख में जैसे जाइलोमेटाजोलिन नेसल ड्रॉप, जब नाक बंद हो जाता है सर्दी में ये दवाई लेते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप जब आँख में इन्फेक्शन होता है, और सिप्रोफ्लोक्सासिन ईयर ड्रॉप जब कान में इन्फेक्शन होता है। ऐसे करके सबलिंगुअल रूट भी है, जब एंजिना पेक्टोरिस मतलब हार्ट में जब चेस्ट पेन होता है उसके लिए जैसे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट बकल टैबलेट, क्योंकि इस रूट से तुरंत इफेक्ट मिलता है, क्योंकि अंडर द टीथ देयर वाज ए वेन कॉल्ड जुगुलर वेन, डायरेक्ट वो हार्ट में लिंक है। और एक रूट है सपोजिटरी और वेजाइनल रूट्स, कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन में जैसे बाइसाकोडिल रेक्टल सपोजिटरी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होता है, और जितना इंजेक्टेबल्स है जैसे इंटरमस्कुलर इंटरवेनस सबक्यूटेनियस और इंटरडर्मल और बहुत सारा है, उसको कहते हैं पेरेंटेरल। पेरेंटेरल वर्ड्स कम फ्रॉम टू वर्ड्स, पार मतलब अदर देन एंड इंटेरल मीन्स इंटेस्टाइन, जो मेडिसिन इंटेस्टाइन को बाईपास करता है उसको कहा जाता है। और हमारा जो बॉडी सरफेस है मतलब स्किन है, उसमें जैसे हम लोग ऑइंटमेंट जब यूज़ करते हैं, इम्प्लांट्स और पैचेस और समटाइम्स स्प्रे जो यूज़ होता है, वो भी एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जिस मेडिसिन का स्टेबिलिटी कम रहता है वो शॉर्ट एक्सपायरी मेडिसिन कहा जाता है, और जिस मेडिसिन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसको लॉन्ग एक्सपायरी मेडिसिन कहा जाता है। जो स्टोर में काम करता है उसको शॉर्ट एक्सपायरी मेडिसिन के ऊपर आइडिया रहना जरूरी है, ताकि ये एक्सपायर ना हो और इसके ऊपर ध्यान दे, ताकि एक्सपायर होने से पहले ही इसको सेल किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे शॉर्ट एक्सपायरी मेडिसिन है एंटीबायोटिक सिरप, और लॉन्ग एक्सपायरी मेडिसिन पैरासीटामोल टैबलेट। फॉर्मुलेशन के टाइप के हिसाब से मेडिसिन चार टाइप का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड एंड गैसियस। सॉलिड जैसे टैबलेट कैप्सूल, लिक्विड जैसे सस्पेंशन इमल्सन ड्रॉप, सेमी सॉलिड जैसे ऑइंटमेंट क्रीम, एंड गैसियस जैसे एरोसोल्स मतलब इनहेलर जो होता है, जो एनास्थेसिया ड्रग होता है सेंसलेस करने के लिए यूज होता है वो सब। मेडिसिन लेने के बाद जब बॉडी में इंटर करता है, अगर वो ब्लड में रीच करता है उसको कहते हैं सिस्टेमिक फॉर्मुलेशन, अगर वो ब्लड में रीच नहीं करता है सिर्फ कैविटी में और जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ पे लिमिटेड रहता है, तो उसको नॉन सिस्टेमिक और टॉपिकल और लोकल मेडिसिन कहा जाता है। जैसे सिस्टेमिक मेडिसिन के एग्जाम्पल है पैरासीटामोल टैबलेट, एंटासिड जैसे पेंटोप्राजोल, ये सब। नॉन सिस्टेमिक फॉर्मुलेशन जैसे एंटीफंगल ऑइंटमेंट और एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप, और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड जैसे जेलुसिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू।